अगली खबर हरियाणा के भिवानी से है। हरियाणा के भिवानी लोकसभा क्षेत्र से जेजेपी ने स्वाति यादव को उम्मीदवार बनाया है। स्वाति यादव का शिक्षा मेडिकल है और टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र में बिजनेस का 10 साल से ज्यादा का अनुभव है। वह अमेरिका के जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एमबीए की डिग्री हासिल करके आई हैं। अमेरिका की क्लेंसमैन यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी उन्होंने की है। अमेरिका से लौटकर अब वो भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र में क्या बदलाव लाएंगी, उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता गुलशन ग्रोवर ने। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। जेजेपी और आम आदमी पार्टी ने भी अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, जिसमें भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से स्वाति यादव को चुनावी मैदान में उतारा है। इस बीच हमारे साथ स्वाति यादव मौजूद है। स्वाति जी, पहली बार आप चुनाव लड़ रहे हैं, किस तरीके से आपके सामने दिग्गज नेता चुनावी मैदान में है? कांग्रेस से श्रुति चौधरी सामने है और भाजपा से धर्मवीर सिंह सामने है, कैसे आप चुनौती देंगे पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं? बिल्कुल उसी तरह से चुनौती दूंगी जिस तरह से मैंने जिंदगी में और सारे जो ऑब्स्टिकल्स आए हैं और सारी जो परिस्थितियां आई हैं उनका सामना किया है। बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ मुझे लगता है मैं बहुत ही अच्छी कैंडिडेट हूँ, यूथ भी हूँ, महिला भी हूँ, बहुत ही सारे जो डिफरेंट हमारे डिफरेंट वर्ग्स हैं उनको मैं रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। उसी आशा के साथ, उसी उपेक्षा के साथ मैं आज उतरी हूँ। कल जो मेरा नॉमिनेशन है वो डिक्लेयर किया मिस्टर दुष्यंत चौटाला ने, और उसके बाद मैं आपको बता सकती हूँ कि चंद घंटों में मेरे पास कम से कम 20-25 ईमेल्स ऐसे लोगों के आए हैं जो युवा वर्ग के हैं, और कुछ उनमें से महिलाएं भी हैं जो मुझे बधाई देते हुए मुझे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं कि मैं इस फील्ड के अंदर आई हूँ, इस डोमेन के अंदर आई हूँ। क्योंकि जनरली क्या होता है कि लोग पढ़े लिखे जितने भी हैं वो इस फील्ड से दूर भागते हैं, कतराते हैं, पर मैं अपनी एक सुख सुविधा की जो जिंदगी है उसको छोड़कर अगर एक अच्छे पथ पे चल रही हूँ तो मुझे लगता है कि मैं काफी आगे जाऊंगी। और हमारी पार्टी के जो उद्देश्य हैं बहुत नेक हैं, मुझे लगता है हमें बहुत ही प्यार मिलेगा, अभी भी मिल रहा है, और आप लोगों का आगे जाके खूब प्यार और खूब स्नेह मिलेगा। स्वाति जी, आपने सारी जो पढ़ाई है वो विदेश में की है, और क्या लगता है कि कैसे राजनीति में आना हुआ, कैसे मन में आया कि मुझे राजनीति करनी है, लोगों की सेवा करनी है? जी देखिए, मैं तकरीबन 10 साल जो है अमेरिका में रही, वहां पर अच्छे कॉलेजेस में पढ़ाई भी करी और अच्छी टॉप कंपनियों में 4 साल काम भी किया। उससे मुझे एक चीज जो है बहुत अच्छे से समझ में आई कि मैंने अपनी जिंदगी में जो भी परिस्थितियां हैं उनको अपने आप टैकल किया। अमेरिका में मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है, मैं सिर्फ 17-18 साल की थी जब मैं अमेरिका गई। वहां पर जाकर टॉप कॉलेजेस में दाखिला लेना या टॉप कंपनीज के अंदर इंटरव्यू देकर उन इंटरव्यूज को क्लियर करना एक आसान काम नहीं है। एग्जैक्टली वही समस्या जो है हमारे देश के युवक आज जो है फेस करते हैं जब वो शिक्षा मांगने जाते हैं, चाहे वो नर हो या वो नारी हो। नारियों के लिए तो और भी ज्यादा मुश्किल है, आपको अपना गांव छोड़कर कितनी बार दूर दूर जाना पड़ता है सिर्फ पढ़ाई करने के लिए। सिर्फ 10वीं 12वीं जैसी छोटी जो बिल्कुल बेसिक नेसेसिटी की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए आपको अपना गांव छोड़कर जाना पड़ता है। और अगर गॉड फॉरबिड अगर आपको उससे ज्यादा पढ़ाई करनी है, अगर आप बीए करना चाहते हैं, बीएड करना चाहते हैं, अच्छे कॉलेज से पढ़ना चाहते हैं, तो आपको कभी कभी अपना पूरा क्षेत्र जो है वो छोड़कर जाना चाहते हैं। मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ कि कोई भी माँ कभी नहीं चाहेगी कि उसका बच्चा जो है घर छोड़कर जाए। मुझे आज भी याद है जब भी मैं जाती थी अमेरिका, मेरी मम्मी मुझे छोड़ने आती थी और प्लेन तक, और हमेशा जो है उनकी आंखें भरी होती थी। मैं हर एक उस माँ का दर्द समझती हूँ। मैं ये समझती हूँ कि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को शिक्षा और रोजगार अपने क्षेत्र में ही मिले। सबसे पहले जो मेरा काम होगा वो यही होगा कि मैं यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा रोजगार को लेकर आऊंगी, ज्यादा से ज्यादा शिक्षा की जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको जो है मैं अपने हरियाणा के अंदर लेकर आऊंगी। आज अगर हम बात करते हैं 6,840 गांव हैं हमारे हरियाणा में, पर अगर हम स्कूल्स की सिचुएशन देखते हैं तो स्कूल्स की सिचुएशन बहुत ही खराब है। उसके ऊपर मैं आपको एक बात बता सकती हूँ, आप अगर स्कूल्स की सरकारी स्कूलों की बात करते हैं तो एक पिरामिड जैसे बनता है। अगर आप प्राइमरी स्कूल्स की बात करते हैं तो तकरीबन हमारे हरियाणा में 1,000 स्कूल्स हैं। अगर उसके बाद आप सेकेंडरी की बात करते हैं तो उसके अंदर और भी कम होके 500 स्कूल बचते हैं।